इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात करें तो कल देर रात को जिस तरह से एक बार फिर से कश्मीर फाइल्स की बात करें तो एक बार फिर से लगातार सुर्खियों में नजर आ रही है। फिलहाल अगर इसमें बात करें तो बताया जा रहा है जो इसराइल के वहां पर नादेव लापित थे उन्होंने जो है कश्मीर फाइल्स के ऊपर एक इस तरह का बयान दिया जिसके बाद लगातार विवाद जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपोगंडा और एक वल्गर मूवी जो है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा। और हालांकि अगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात करें तो उन्होंने जो है इस स्टेटमेंट से अपने आप को दूर कर दिया ये कह के कि ये उनके जो है पर्सनल ओपिनियन है, उनका पर्सनल जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। जब वो इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पे स्पीच दे रहे थे और वो ज्यूरी थे हेड नादेव लापित की बात करें तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो 15th फिल्म फेस्टिवल है वहां पर जिस तरह से एक प्रोपोगंडा जो है इस मूवी में साफ तौर पर देखने को मिला है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से यहाँ पर इस फेस्टिवल की बात करें तो वो उनके पर्सनल जो है ओपिनियन था, एक व्यू था, और जिसके बाद अलग अलग तरह की स्टेटमेंट जो है लोगों की साफ तौर पर देखने को मिली है। और जिसमें उन्होंने ये भी साफ तौर पर मेंशन किया जो, और उसके बाद अनुपम खेर का क्या कुछ स्टेटमेंट आया वो भी आपको बताएंगे, और जो इस मूवी के डायरेक्टर थे उनका भी क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर अनुपम खेर की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले ये हमेशा ही जो है छोटा ही होता है। और उसके बाद अनुपम खेर की भी बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट में एक वीडियो भी शेयर की और उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार सच्चाई को जो है इस तरह छुपाने की कोशिश जो है वो लगातार जो है वो साफ तौर पर की जाती है। वहीं अगर विवेक रंजन उनकी भी बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर मेंशन किया कि ट्रूथ इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इट कैन मेक पीपल लाए। तो लगातार इसको लेकर अलग अलग तरह के स्टेटमेंट जो हैं वो साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। पर वहीं अगर बात करें जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जूरी की बात करें हेड नादेव लापित की, जिन्होंने ये बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस 15 फिल्म फेस्टिवल में जो है इस मूवी से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुए कश्मीर फाइल्स को लेकर। उन्होंने कहा कि एक प्रोपोगंडा था, एक वल्गर मूवी थी और इनअप्रोप्रिएट ये मूवी थी, क्योंकि इसमें जो आर्टिस्टिक और कॉम्पिटिटिव सेक्शन की बात करें तो उसको लेकर ये प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि आई फील टोटली कम्फर्टेबल टू ओपनली शेयर दीज फीलिंग्स वेयर हेयर विद यू ऑन दिस स्टेज। तो उन्होंने कहा कि मैं जहाँ स्टेज पे ये फीलिंग शेयर कर रहा हूँ तो इसमें मुझे कोई भी इस तरह का कोई ऐसा अलग नहीं है, कंफर्टेबल हूँ। और इस फेस्टिवल फिल्म के इस फेस्टिवल की स्पिरिट की बात करें तो श्योरली जो है क्रिटिकल डिस्कशन हो सकता है, विच इज जो एसेंशियल भी है अगर आर्ट और लाइफ की बात की जाए। और उसके साथ साथ एक जूरी मेंबर की बात करें, फिल्म मेकर की बात करें, स्टिप्टू सेन की बात करें, तो उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा कि व्हाटएवर हैज बीन सेड बाय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 ज्यूरी चेयरमैन मिस्टर नादेव लापित अबाउट द फिल्म द कश्मीर फाइल्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी के दिन 53rd जो है ये फेस्टिवल था और कम्प्लीटली हिज पर्सनल ओपिनियन इन द ऑफिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ द ज्यूरी बोर्ड टू द फेस्टिवल डायरेक्टर एंड इन द ऑफिशियल प्रेस। तो हालांकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो उन्होंने तो अपने आप को साफ तौर पर इससे अलग कहा है और कहा है कि ये उनके जो है पर्सनल ओपिनियन व्यूज जो है वो साफ तौर पर हैं और इसको लेकर उनका कोई भी जो है वो बयान जो है वो इस तरह से नहीं आएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो अनुपम खेर ने भी जिस तरह से कहा कि ये हमेशा सच्चाई को जो है छुपाने की कोशिश की जाती है या जितना भी कहें वो साफ तौर पर बिल्कुल भी नहीं है, पर फिलहाल इस चीज को लेकर अलग अलग लोगों के बयान जो है वो जरूर सामने आ रहे हैं। और अनुपम खेर की बात करें तो उन्होंने अपनी जो वीडियो जारी की और उसमें ये साफ कि कश्मीर फाइल्स का सच कुछ लोगों के गले में एक कांटे की तरह अटक गया है, वो ना उसे निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। इस सच को झूठा साबित करने के लिए उनकी आत्मा जो मर चुकी है बुरी तरह से छटपटा रही है, पर हमारी ये फिल्म अब एक आंदोलन है, फिल्म नहीं, और टूच जो है टूलकिट गैंग वाले लाख कोशिश करते रहे। तो ये इस तरह का बयान जो है उन्होंने साफ तौर पर जो है वो जारी किया है। तो फिलहाल के लिए इस पर आपका क्या राय है वो भी जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और आप बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ।